जापान के पहाड़ों में एक आदमी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो पत्थर तोड़ने का काम करता था और बहुत गरीब था। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ बहुत सख्त हो गए थे दिन भर हथौड़े से पत्थर तोड़ने के कारण। एक दिन वो कुछ पत्थर लेकर एक अमीर आदमी को बेचने उसके घर गया। अमीर आदमी का घर, उसके कपड़े उसको बहुत पसंद आए। उसने अपने मन में सोचा, काश मैं भी एक अमीर आदमी होता। तब अचानक ठंडी हवा चली और उसको एक परी दिखाई दी। परी ने उसको बोला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा, तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। जब वो आदमी वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी एक बहुत बड़ा घर बन गई थी। वो अंदर गया तो वहाँ बहुत सारे पैसे भी थे। उसने अपने औजार छोड़ दिए और खुश होते हुए एक बड़ी सी खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर में दिन का तापमान बढ़ने लगा। तब उसने खिड़की से देखा, एक प्रिंस वहाँ से जा रहा था। प्रिंस के नौकर पंखा चला रहे थे ताकि उसको गर्मी ना लगे, और उन्होंने सोने के छाते प्रिंस के ऊपर लगा रखे थे। अब उस आदमी ने सोचा, काश मैं भी एक प्रिंस होता। फिर से वो परी आई और उसने बोला, अब तुम प्रिंस बन जाओगे। अब वो एक प्रिंस बन गया। अब उसके ऊपर भी सोने के छाते लगे हुए थे और नौकर साथ में चल रहे थे। एक नौकर ने उसको पानी लाकर दिया और वो बहुत शान से पीने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज का टेम्परेचर और बढ़ने लगा और उसको गर्मी लगने लगी। छाते भी उस गर्मी में किसी काम के नहीं थे। उसने थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर डाला, लेकिन सूरज की गर्मी से वो सूख गया। उसने सोचा, सूरज मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, काश मैं सूरज बन पाता। परी फिर से आई और बोली, अब तुम सूरज बन जाओगे। कुछ ही पल में वो आदमी सूरज बन गया और चमकने लगा। अब उसकी किरणें धरती पर आ रही थी। उसको अपनी शक्ति पर घमंड हो गया और उसने अपनी किरणें और तेज कर दी। उसने लोगों के पसीने छुड़ा दिए और धरती को सुखाने लगा। तब अचानक उसको धरती दिखना बंद हो गई। एक बहुत बड़ा बादल उसके और धरती के बीच में आ गया था। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो बादल वहां से हिला भी नहीं। तब उसने बोला, ये बादल तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, काश मैं एक बादल होता। परी आई और बोली, अब तुम एक बादल बन जाओगे। अब वो एक बहुत बड़ा बादल बन गया। उसने सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक दिया और लोगों को छाया दी। उसने धरती को ठंडा कर दिया और बारिश करने लगा। वो लगातार बरसता रहा और इससे नदियों में उफान आ गया, लेकिन वो नहीं रुका और बारिश और तेज करने लगा। अब बाढ़ आने लगी जिसने गांवों को डुबो दिया। सब पानी में डूब गए बस एक पहाड़ को छोड़कर। उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला, पहाड़ मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, काश मैं एक पहाड़ होता। फिर से परी आई और उसने बोला कि अब तुम पहाड़ बन जाओगे। अब वो एक पहाड़ बन गया, बहुत बड़ा और मजबूत। उसको ना तो सूरज का डर था और ना ही बारिश का। वो बोला, मुझसे ज़्यादा पावरफुल अब कोई नहीं है। एक दिन उसको कुछ हलचल महसूस होने लगी। उसने देखा कि एक पत्थर तोड़ने वाला उसके ऊपर अपना हथौड़ा चला रहा था। अब उसको लगने लगा कि पत्थर तोड़ने वाला मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, काश मैं वापस पत्थर तोड़ने वाला आदमी ही बन जाऊँ। परी ने उसको फिर से वही आदमी बना दिया। उसने अपने औजार उठाए और अपने काम पर लग गया। अभी भी वो गरीब ही था, लेकिन अब वो खुश था। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को देखकर जेलस होना सही नहीं है और ना ही किसी को खुद से ज़्यादा पावरफुल समझना चाहिए। जो आप हो वैसा कोई नहीं है। अपनी एबिलिटी को दूसरों से कंपेयर मत करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।